बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज वो दिन आ ही गया जिसका इतने दिनों से इंतज़ार था। आज हम मुल्तान जा रहे हैं। मुल्तान जाने की तैयारी तो कब से शुरू थी और आप लोगों को दिखा भी रही थी, तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया। तो यहाँ पे हम लोग रोड पे आ चुके हैं और हम लोग अपने लिए कोई ढूंढ रहे हैं शाही सी सवारी। तो ये देखिए जी, हमारी शाही सवारी जो है वो आ चुकी है। तो चले जी, चलते हैं स्टेशन। मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं जिस मकसद के लिए मुल्तान जा रही हूँ, अल्लाह ताला वो मेरा मकसद जो है वो अच्छे से, खुश असलूबी से, मतलब अच्छे से पूरा हो जाए। तो मेरी बेटी के लिए आप सब ने दुआ करनी है कि उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता जो है वो मैं देख सकूँ। देखा हुआ तो है बाजी लोगों ने, बस जाके फाइनल करना है हम लोगों ने। तो अल्लाह करे, अल्लाह से दुआ है कि हमें भी वो रिश्ता जो है वो पसंद आ जाए और मेरी बेटी का घर एक बार फिर से बस जाए और हमारे जो दो छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, अल्लाह ताला उनको फिर से बाप की नेमत जो है वो मिल जाए। अल्लाह ताला फिर से उनको बाप की नेमत जो है वो अता कर दें, क्योंकि बाप का साया भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो उन्हें फिर से एक बाप मिल जाए। तो आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। तो चलते हैं, अब आगे अपना सफ़र शुरू करते हैं कराची से मुल्तान तक का। स्टेशन पे हम पहुंच गए, ट्रेन जो है वो लगी हुई थी, तो हम लोग बैठ गए हैं। और यहाँ पे मुजम्मिल को देखें आप, इसे हमने बोल दिया कि आपने नहीं जाना, आप नीचे उतर जाओ, तो इसने इस तरह से रोना शुरू कर दिया कि मैंने नानी नानू के साथ ही जाना है। बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहा बच्चा है ना। तो हम लोग जब बैठे हैं तो फिर उसके दिल को कुछ हो रहा है कि मैंने भी अंदर बैठना है, साथ जाना है। तो बहुत मुश्किल से इसको जो है वो चुप करवाया। साहिल ये देखे बैठा हुआ है, तो मैं भी बैठी हुई थी साहिल के साथ ही, मैं भी बैठी हुई हूँ। और ये मुजम्मिल को हमने फिर पैसे वगैरह दे के तो चुप करवाया है। अभी ये चुप हुआ है थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनको भी बुला लेंगे वहाँ पे। जैसे ही हम फाइनल करते हैं रिश्ता, तो फिर दो चार दिन बाद इनको भी बोल देंगे कि जो लोग भी टिकट करवा के आ जाए। बाकी तैयारी सारी मैं करूँगी गाँव से, तो वो आपको सारी तैयारी फिर दिखाएँगे। ये सफ़र जो है वो हमारा शुरू हो चुका है, ट्रेन हमारी चल गई है और कराची को हम लोग करते हैं बाय बाय। और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं तो खुशी खुशी से वो सारे काम निपटाते हैं और फिर हम लोग आएंगे वापस इसी अपने कराची में, क्योंकि ना कराची हमें छोड़ सकता है और ना हम कराची को। कराची में पता नहीं कौन सी पक्की एल्फी लगी है कि ये किसी को नहीं छोड़ता। चले जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।